हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये पोंचो दोबारा से बना के दिखाऊंगी। पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी पर उसमें आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो मैंने इस वीडियो को दोबारा बनाया है। बहुत सारे कमेंट थे कि वीडियो को दोबारा बनाएं, तो मैं वीडियो को दोबारा बना रही हूँ। ये मैंने कुछ और कलर के भी पोंचो बनाए हैं। ये मैंने येलो और वाइट बनाया है, इस पर भी मैंने ये फ्लावर लगाया है और क्रोशे से लटकन लगाई हैं। ये इसे थोड़ा छोटा साइज है, ये आप वाइट और येलो भी बना सकते हैं, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और मैं और भी कलर दिखाती हूँ आपको जो मैंने बनाया है। ये पीच और वाइट है, ये डार्क पीच कलर है। इसको भी सेम ऐसे ही बनाया, ये कलर अलग है, डिज़ाइन सेम है, साइज़ अलग है। इसमें मैंने यहाँ पे 72 चेन बनाई है और जो पिंक वाला है उसमें 80 चेन बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पिंक कलर की उल ली है, ये भी मैंने पिंक और वाइट से बनाया है। पहले हम एक नोट लगा लेंगे। ये मैंने 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाया है और इसमें मैंने 80 चेन बनाई है। अगर आपके बच्चे का सिर बड़ा है तो आप 88 चेन भी बना सकते हैं, बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग आप बना लें। इसमें मैंने 80 चेन बनाई है। चेन को हमने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का सा लूज़ करना है, ऐसे थोड़े से धागे को खींचते हुए बनाना है इसको, है हल्का सा, थोड़ा खुला खुला बना लेना है, बिल्कुल चेन को हमने टाइट नहीं बनाना है। इसमें मैं 80 चेन बना लेती हूँ। देखिए थोड़ी लूज़ बनानी है तो मैं चेन बना लेती हूँ। ये चेन मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ये जो चेन है इसको बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे, इसको मुड़ने नहीं देना है, बिल्कुल सीधा लेते हुए इसको, और ये जो लास्ट वाली चेन है यहाँ पे इसको बंद कर देना है। अब हमने ये इतना बना लिया है और इसको जोड़ देना है। ये हमने जोड़ दिया है तो आप अपने बच्चे को ऐसे ही पहना के देख लें, जैसे हमने चेन बना ली है तो बच्चे के सिर में पहना के देख लें। बच्चे के अगर सिर में ये आ जाता है तो ठीक है, अगर आपको टाइट लगता है तो आप 8 चेन और एक्स्ट्रा बना लें। और इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक हमने चेन बना ली है उसको भी इस डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे हम, और फिर एक चेन बनाएंगे। और एक चेन स्किप कर देंगे, हमने एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनानी है और एक चेन को स्किप करना है। इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फिर से एक चेन बनाएंगे और एक चेन यहाँ से स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में हम ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ मैं। कि देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में भी हम एक चेन बना लेंगे। और ये जो थर्ड चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पैटर्न काउंट करेंगे हम कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमारे पास ये 20 पैटर्न हैं। अगर आप थोड़ा और बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो आप दो एक्स्ट्रा बना ले पैटर्न, ऐसे ही बढ़ाते रहे। अगर आपको बड़ा साइज चाहिए तो उसमें आप, अगर आपको बड़ा साइज चाहिए तो आप 88 चेन बना सकते हैं, उसके बाद 96। सबसे पहले तो हम तीन चेन बनाएंगे और जहाँ पे ये है जाली इसमें बनाएंगे, जहाँ पे हमने ये चेन बनाई थी वहीं पे ये जाली में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर एक चेन बनाएंगे। और एक चेन हमने बना ली है। अब हम इसमें जो ये जाली है नेक्स्ट वाली, इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। वहाँ पे हमने वीच चेन तीन डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। वहाँ तो हमने चेन बनाई थी और यहाँ पे हमने तीन डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से हम जो ये नेक्स्ट वाली जाली है इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे हमने ये 9 पैटर्न बनाने हैं। अगर आप 88 चेन ले रहे हैं तो ये 10 पैटर्न बनेंगे, जो हमने तीन डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं ये वाला पैटर्न। अगर आप 88 चेन ले रहे हैं तो 10 बनेंगे, अगर आप 72 ले रहे हैं तो 8 पैटर्न बनेंगे। तो यहाँ पे हम 9 पैटर्न बना लेंगे। इसको काउंट कर लेंगे। ये हमारे पास 9 पैटर्न हो चुके हैं। हमें बीच में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, हमें खाली फ्रंट और बैक में फंदे बढ़ाने हैं, इस साइड और इस साइड। हमें और कहीं भी बीच में फंदे नहीं बढ़ाने हैं। ये पैटर्न सेम रहेंगे। यहाँ 6 पैटर्न नहीं बनेंगे, यहाँ पर 3 पैटर्न ही बनेंगे। और जो ये है फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, देखिए हमने और कहीं 6 डबल क्रोशिया नहीं बनाए हैं, यहीं पर बनाने हैं बैक में और फ्रंट में। तो ये फ्रंट में हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से वही पैटर्न स्टार्ट कर देंगे, हर एक जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस रो को कंप्लीट करेंगे, ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट में ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए थे, अब बैक में भी हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक ही जगह पे। यहाँ पे भी हमने काउंट कर लेना है, हमारे यहाँ भी 9 पैटर्न होने चाहिए। उस साइड हमने 9 पैटर्न बनाए तो इस साइड भी हमारे 9 पैटर्न बनेंगे, सेम बनाना है। अगर आप 8 पैटर्न बना रहे हैं तो 8 ही बनाना है। तो बीच में हम ये 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने फ्रंट में बनाए थे। इस रो को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी सारी रो ऐसे ही चलेंगी, डिज़ाइन हमने सारा डाल लिया है, सेम यही पैटर्न चलेगा। हर जाली में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फ्रंट और बैक में हमने 6-6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहीं से हमारे फंदे बढ़ेंगे और कहीं भी आपको फंदे नहीं बढ़ाने हैं, इसको सेम ऐसे ही बनाना है। तीन डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं, अब एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पैटर्न को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ भी हमने सेम करना है, 6 डबल क्रोशिया है जो ये बनाने हैं, जो हमने पहले बनाए थे सेम ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया, और बाकी जगह जो जाली है 3-3 डबल क्रोशिया इसमें बनाने हैं।
इस डिज़ाइन को ऐसे ही बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही बनाना है, 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी बना लें। ये मैंने 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। तो इस पैटर्न को ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम पिंक कलर से रो पूरी कर लेते हैं जितनी हमें चाहिए। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है जितनी हमें चाहिए थी। मैंने इसमें 15 रो बनाई है। ये 4 से 5 साल के बच्चे के लिए है। अगर आप 3 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 13 रो बना लें। मैंने इसमें 15 रो बनाई है। तो नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे। ये कलर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे। आप अगर दूसरा कलर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये भी मैंने माइक्रो वूल ली है। सेम ऊन है दोनों, बस कलर चेंज है। तो जहाँ से हमने ये बंद किया था वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे वाइट कलर के साथ। तो सबसे पहले तो नोट लगा लेंगे और 3 चेन बना लेंगे। सेम वैसे ही बनाना है, बस हमने यहाँ पे कलर चेंज किया है। तो वाइट कलर से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप बना लें। मैंने 15 जो रो है वो मैंने पिंक से बनाई है, 8 मैं वाइट से बनाऊंगी। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऊन कम है तो कम लगा लें, ज़्यादा है तो ज़्यादा लगा लें। यहाँ पे मैंने वाइट कलर से 8 रो बनाई हैं। इनको काउंट कर लेंगे, 15 हमने पहले बनाई थी तो हमारे पास टोटल 23 रो हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो हमने बना ली हैं। अब हम फिर से पिंक कलर का यूज़ करेंगे। तो जहाँ से हमने वाइट धागा ख़त्म किया था वहीं से फिर पिंक कलर से शुरू करेंगे। हमने एक रो और बनानी है, सेम ऐसे ही बनानी है। तो हमारे पास ऐसे 24 रो हो जाएंगी। मैंने इसमें जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बॉर्डर दूसरा था, इसमें दूसरा है। अगर आप वो ही बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप उस वीडियो के अनुसार भी बना सकते हैं। अगर ये बनाना चाहे तो ये भी बना सकते हैं। तो सेम हमें एक रो ऐसे ही बनानी है सिंपल। 3 चेन बना के 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
और इस रो को ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करना है, सेम जैसे पहले हमने रो बनाई थी वैसे ही। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है, अब इसका बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। ये जो दो धागे एक्स्ट्रा हैं इनको भी बीच में ही ले लेंगे हम। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे बॉर्डर में हम। यहाँ पे हमने ये बंद कर लिया था, जहाँ हमने बंद किया था वहाँ पे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन जाली में बनाएंगे। और यहाँ पे हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एट डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट में जो नेक्स्ट वाली जाली है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से नेक्स्ट में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए हम बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। ये बॉर्डर हमने इस साइड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ हम बीच में आ चुके हैं जहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया थे। जहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया थे अब वहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले तो 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फाइव डबल क्रोशिया बना लिए हैं, दो चेन बनाएंगे और फिर से यहीं जहाँ हमने पहले 5 डबल क्रोशिया बनाए थे वहीं पर 5 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। और फिर से यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से वैसे ही बॉर्डर स्टार्ट करना है जैसे हमने उस साइड बनाया था, 8 डबल क्रोशिया और बीच में हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं फ्रंट में भी, और फ्रंट में हमने बना लिए हैं, बैक में भी सेम ऐसे ही बनाना है। यहाँ भी ये हमने फ्रंट और बैक में 10-10 डबल क्रोशिया बना लिए थे। अब ये हमारा पोंचो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके गले पे बॉर्डर बनाएंगे। गले पे भी हमने बॉर्डर चेंज किया है, अगर आप पहले जैसा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने गले पे कैसा बॉर्डर बनाया है। इसके लिए मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है। तो जहाँ हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, इसे नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करना है यहाँ से। तो हम वाइट कलर की ऊन ले लेंगे और एक नोट लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे, 1
टू थ्री, और यहाँ पे हमने तीन डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। ये हमारा क्रोशिया 3.5 mm का ही है, इसका खाली क्रोशिया चेंज हुआ है, नंबर वही है। तो सबसे पहले तो हम चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे एक हमने चेन बना ली, तीन डबल क्रोशिया और बना लिए। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने बॉर्डर में किया था, नेक्स्ट जाली में ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब नेक्स्ट में हमने आठ डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे हम आठ डबल क्रोशिया बना लेंगे। एट डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें वैसे ही करना है, नेक्स्ट जाली में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिक्स डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं, सेवन एट, एट डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे, और इसको ऐसे बनाते हुए हम इसके फ्रंट पार्ट तक लेके आएंगे। ये हमने फ्रंट तक बना लेना है सेम ऐसे ही। ये हमने बना लिया है और इसके फ्रंट पार्ट में हम आ गए हैं। यहाँ पे, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाना है, जो ये फ्रंट पार्ट है जहाँ हमने छः डबल क्रोशिया बनाए थे, और फिर सेम वैसे ही बनाना है हमने। यहाँ पे आठ डबल क्रोशिया बना लेंगे और बाकी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और ऐसे ही बनाते हुए हम बैक पार्ट तक लेके आएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट बन चुका है, तैयार हो चुका है। अब हमने बैक पार्ट तक बनाना है, जहाँ पे ये छः डबल क्रोशिया है यहाँ पे भी हमने स्लिप स्टिच बनाना है, सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे सिंगल स्लिप स्टिच बना लिया है। अब ये जो हमने एक चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे हमने चार डबल क्रोशिया और बनाने हैं। ये भी हमारे पास टोटल आठ डबल क्रोशिया हो जाएंगे, और ये जो गले का बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये चार डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब इसको यहाँ पे बंद कर देना है चेन में डाल के। ये देखिए यहाँ पे भी हमारे आठ डबल क्रोशिया हो चुके हैं और गले का बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे। ये देखिए गले का बॉर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप कोई और बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ये बॉर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे, बहुत ही इजी मेथड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पिंक कलर की ऊन ली है, अगर आप वाइट कलर की चाहते हैं तो वाइट कलर की भी ले सकते हैं। इसमें डालने के लिए बनाएंगे हम, और ये मैंने डबल कर लिया है उनको, और धागा हमने थोड़ा ज़्यादा छोड़ना है यहाँ पे,
क्योंकि हम इसके लिए लटकन बनाएंगे यहाँ बांधने के लिए। तो हमने थोड़ा बड़ा धागा छोड़ लिया है और बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से बनाना है ऐसे। मैंने इसमें 210 चेन बनाई है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी लेंथ बड़ी चाहिए, मैं आपको बताऊंगी आप इसको कैसे नाप सकते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसे चेन बना लेंगे। ये चेन मैंने बना ली है। अब हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे इसको, जो हमारा फ्रंट पार्ट है। जो पीछे का धागा मैंने इसलिए नहीं काटा है ताकि हमें पता चल जाए कि वो बैक पार्ट है, और इसको स्टार्ट कर लेना है ऐसे डालते हुए। हमने जो फ्रंट पार्ट है वहाँ से स्टार्ट किया है, एक में डाल दिया, एक को छोड़ दिया है। और जो बैक पार्ट है इसमें हमने ये दो छोड़ने हैं बीच में, तभी ये हमारी डोरी बराबर आएगी। ये हमने दो छोड़ दिए हैं पीछे, और बाकी वैसे ही करना है, एक को छोड़ देना है, एक में डाल देना है। ये फ्रंट में भी हमने दो पैटर्न को छोड़ा है और बैक में भी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसकी लेंथ कैसे नाप सकते हैं जो डोरी है। कई बार हम बनाते बनाते गिनना भूल जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको उधेड़ना नहीं है, यहाँ से नाप लें उसको। ये देखिए मैंने धागा अभी तक काटा नहीं है। अगर आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है तो यहीं से बढ़ा लें, इसको बांध के देख लें ऐसे, यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ ऐसे नाप के देख लें इसको। अगर आपको और लेंथ चाहिए, यहाँ तक कहीं तक भी आप बना सकते हैं, ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप इसको और यहीं से बना लें। आपको ना तो डोरी को निकालना है पोंचो में से, बस इसको यहीं से बना लेना है, यहीं से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बड़ा कीजिए इसको, यहाँ गले में डाल लीजिए और फिर इसके अनुसार अपनी लेंथ जितनी भी आपको डोरी की चाहिए उतनी बना लें। मेरी लेंथ यहाँ पे डोरी की कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूँगी। और धागा मैंने थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे लटकन बांधनी है। ये पोंचो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसकी जो लटकन बनाई है उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहाँ से आप देख के बना सकते हैं। तो ये पोंचो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस फ्लावर की वीडियो भी मैं अलग से अपलोड कर दूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ये देखिए ये मैंने फ्लावर बना लिया है और इसमें एक मोती लगाया है। ये पोंचो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप किसी भी कलर का कैसे भी पोंचो बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत जल्दी से बन जाता है। इसको बिगनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये फ्लावर और इनकी लटकन की वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।